वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज की वीडियो का विषय है कि करोड़ों का कर्ज भी लै जाता है जेकर असी महापुरखों के दसे हुए इस शब्द का जाप इस प्रकार कर लगे। शब्द का जाप करना है अते नाल तीन काम होर करने हैं तो जेकर असी गुरु ते भरोसा रख के ये काम इस तरह कर लेने तो साड़ियाँ सारिया समस्यावां सारिया मुश्किलों का हल हो सकता है। पर शब्द का जाप दसन तो पहला सब के चरणों के बेनती ये आ कि वीडियो नूं सुन के हल्के दे विच नहीं लैना। अज की वीडियो बड़ी ही खास आ, बड़ी महत्वपूर्ण आ। जिन्हां मनुखां ने भी इस शब्द का जाप किया है जां कर रहे ने उन्हां दी जिंदगी दे विच आए हुए बदलाव नूं देख के लोग हैरान होंदे ने। अते मैं गुरु दे उत्ते भरोसा रख के कह रही हाँ कि जेकर आपां भी इस शब्द का जाप अते नाल नाल ये तीन काम करने शुरू करते हैं तो साढ़े उत्ते हुंदी हुई कृपा नूं देख के लोगों ने तो हैरान होना ही है, असी खुद भी हैरान हो जावांगे कि गुरु साहिब जी ने इन्नी कृपा किंज कर दित्ती। साढ़े बंद रस्ते किंज खोल दिते, साढ़े माड़े समय नूं चंगे समय दे विच किंज बदल दिता। तो इस करके पूरी वीडियो नूं अंत तक ध्यान दे नाल सुनना भी आ, समझना भी आ, जो जुगत दसी है ना इहनूं अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणा जरूरी आ। अते इह नहीं आ कि आपां कुछ दिन शब्द का जाप किया अते फिर हट गए, नहीं। जदों लगातार इस शब्द का जाप करांगे तां साढ़े गुरु नूं साढ़े उत्ते कृपा करनी ही पैंदी आ। इह महापुरखां दी दसी हुई युक्ति आ, इहनूं बिल्कुल भी हल्के विच नहीं लैणा क्योंकि जिन्हां मनुखां ने भी इस शब्द का जाप किया है उन्हां दी जिंदगी दे विच आए बदलाव नूं देख के लोग हैरान होंदे आ। तां फिर गुरु दे उत्ते भरोसा रख के इस शब्द का जाप करना है। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो जी अज के समय के हर मनुख की सब तो वड्डी समस्या है पैसा। पैसे की प्राप्ति की चिंता हर मनुख नूं वड़ वड़ खाती रहती है। पैसा प्राप्त करन दे लई कई मनुख कई तरह के पुठे सीधे काम भी कर बैठते हैं, भाव कि कई बार मजबूरियां अजिहियां बन जांदियां ने जदों मनुख नूं अपना मन मार के काम करने पैंदे ने। मन मारन तो भाव हुंदा है कि जिस काम दे लई साडा मन राजी ना होवे पर मजबूरी दे वस पै के ओह काम करना पवे। तां रब ना करे कि किसी इंसान नूं अजिही मजबूरी देखनी पवे, किसी भी इंसान की जिंदगी दे विच अजिहा माड़ा समां ना आवे। पर जे किते माड़ा समां आ जावे, कोई मजबूरी पै जावे, हमेशा अपने गुरु दे उत्ते भरोसा पक्का रखना है। गुरु अगे अरदास बेनती करनी है क्योंकि जो मनुख भी गुरु के उत्ते भरोसा रख के गुरु अगे अरदास करते हैं ना उसके सारे कामों की फिक्र गुरु नूं हुंदी आ, उसके सारे कार्ज गुरु साहिब जी आप पूरी करते हैं। पर गुरु की कृपा सिर्फ उन्हां मनुखां के उत्ते हुंदी आ जिन्हां का भरोसा सिर्फ सतगुरु के उत्ते हुंदा है, अपने गुरु के उत्ते हुंदा है, जो किसी भी हालात में अपने गुरु का दर छड्डदे ने। क्योंकि कई मनुख अजे भी आ कि उन्होंने जिंदगी दे विच माड़ा जिन्ना भी माड़ा समा आ जाए ना, कोई भी समस्या दे विच फस जाए तो अपने गुरु का दर छड्ड के होर पासे मूंह कर लैंदे ने। पर याद रखियो गुरसिख की हर मुश्किल हर समस्या का हल गुरबाणी दे विच आ। अते नाल ही ये भी याद रखियो कि जो मनुख गुरु तो बाह छड़ा के किसी पासे जाते हैं ना उन्होंने किसी पासों ढोई नहीं मिल सकती क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी तो छड़ाई हुई बाँह होर कोई फड़ ही नहीं सकता। इस करके पहला तो अपने गुरु के उत्ते भरोसा पक्का रखना है। जिन्ना विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है, उन्नी ही छेती साड़ी अरदास साड़ी इच्छा पूरी होंदी है। तो इस करके सब तो पहला भरोसा पूरा करना है, फिर भरोसा रख के गुरु का नाम जाप करना है। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਆ।
क्योंकि जो मनुख भी पांच बाणियां दा नितनेम करदे ने बाणी पढ़दे ने उन्हां दा भरोसा भी पक्का हुंदा है, उन्हां दा मन भी मजबूत हुंदा है। तां कोशिश करनी आ कि अमृत वेले उठ के पांच बाणियां दा नितनेम कीता जावे। जे पांच बाणियां दा नितनेम नहीं कर सकदे तां फिर इक जपजी साहिब जी दा पाठ तां हर हाल दे विच करना ही करना है, तां ही गुरु साहिब जी दी साडे उत्ते कृपा होवेगी। तां पहला अमृत वेले उठना है, फिर इशनान करके बाणी पढ़नी आ, गुरु के उत्ते भरोसा पक्का करना है। उस तो बाद है तीसरा काम, वह है मेहनत। मेहनत का पला कदे नहीं छड़ना, जिन्ना गुरु के उत्ते विश्वास आ उन्ना ही मेहनत का लड़ भी साडा पक्का होना चाहिए है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह हमेशा मेहनती लोगों की बाह पढ़ते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ पाठ करते रहना है, हाथ के उत्ते हाथ रख के बैठे रहना है। मेहनत करनी कदे नहीं छड़नी, अपना भरोसा पक्का रख के अपने काम कार नूं तुर पैना है। तो देखना अगे दे रस्ते गुरु नानक पातशाह आप साफ कर देंगे। कदे भी किसी काम नूं करन लग्या ये नहीं सोचना कि यह काम वड्डा है या छोटा है, किरत नूं बंदगी समझ के करना है, रज के मेहनत करनी है तो सफलता जरूर मिलेगी। जदों आपां गुरु दे उत्ते भरोसा रख के किसी भी काम नूं हत्थ पाउने आ ना, तो उस काम दे विच बरकत, उस काम दे विच सफलता गुरु नानक पातशाह जरूर दिंदे ने। तो फिर मेहनत जरूर करनी है, कदे भी हाथ दे उत्ते हाथ रख के नहीं बहना, किसी भी काम नूं वड्डा जां छोटा नहीं समझना। कई बार छोटी गली दे विचों हो के सही साफ रस्ता जल्दी मिल जाता है, भाव कि कई बार छोटे काम तो कीती हुई शुरुआत सानूं बुलंदियां तक पहुंचा दिंदी आ। तां हत्थों आया मौका कदे भी नहीं गवाउणा, क्योंकि हो सकता है गुरु नानक पातशाह जी ने कोई ना कोई बहाना कोई विध बनाई होवे तुहाडे माड़े समय नूं चंगा समां बनाउण दे विच। तां जदों भी किसे काम की ऑफर आउंदी आ तां उसनूं उस वेले ही अपना लैणा चाहीदा है, उस काम कार ते वाहिगुरु दे उत्ते भरोसा रख के तुर पैणा चाहीदा है। जिन्ना मेहनत का पला फड़ांगे रज के मेहनत करांगे उन्नी ही गुरु नानक पातशाह साडे उत्ते कृपा करनगे। तां अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ के अपने काम कार नूं पूरे मेहनत दे नाल करना है, अते जिस शब्द का जाप करना है वह है गुरु तेग बहादुर सिमरी कर नौ निधिया दिता है। जे इस शब्द का जाप कर सकते हैं, इनिया पंक्तियां का जाप कर सकते हैं, तो यह पंक्तियां का जाप करना है। जे पंक्तियां का जाप नहीं भी कर सकते ना, सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी के नाम का सिमरन करने के नाल ही साडे घर दे विच बेअंत पैसा आना शुरू हो जाता है। ये गल तुसीं अजमा के देख लैणा, कुछ दिन भी गुरु तेग बहादुर जी का सिमरन करना शुरू कर दिता, गुरु तेग बहादुर सिमरी कर नौ निधिया दिता है शब्द का जाप करना शुरू कर दिता, तो बेअंत कृपा होनी शुरू हो जाएगी। ये महापुरखों की दसी हुई युक्ति है, यू अपनी जिंदगी दे विच जरूर अपना के देखना है, क्योंकि जिन्ना मनुखा ने इस शब्द का जाप किया है ना उन्होंने पता है कि उन्होंने जिंदगी विच कितना वड्डा बदलाव आया है। पर गल ये है कि लोग दसते नहीं है, सिर्फ साढ़े महापुरख ही सानू सीधे रस्ते ते पाउंदे आ, महापुरख ही सानू युक्तियां ढंग दसते ने जिन्हां दे नाल गुरु की कृपा साडे उत्ते हो सकती है। पर असीं इस दे मूर्ख मत्ते आ कि असीं गल सुन लैंदे आ पर उस गल नूं अपनी जिंदगी विच अपनाउंदे नहीं।